और ए सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है आपके 28 मार्च। आज की क्लास में आपके जो 28 मार्च है इसका जितना भी आपके करंट अफेयर्स बनता है उसको लेकर आज हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हैं जो आपके सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो आपके जो सुंदर कांति, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट, जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है ये किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके क्रिकेट के क्षेत्र में। और किस वर्ग में दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके महिला वर्ग के अंदर। आपने सुना होगा कि जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो आपको वो दिए जाते हैं पुरुष के वर्ग में। जो आपके जो मथुरा दास अवार्ड है ये तो दिए जाते हैं पुरुष वर्ग के अंदर, और ये सुंदर कांति जोशी महिला है, ये सुंदर कांति जोशी अवार्ड है ये दिए जाते हैं महिलाओं को, ठीक है। तो अगर आज का हम क्वेश्चन देखें, जो सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है, तो ये पहले तो सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में दिए जाते थे, अब ये सब जूनियर वर्ग में भी दिए जाने लग गए हैं। तो देखिए किसको क्या दिया गया है। तो अगर हम सीनियर वर्ग की बात करें तो ये सीनियर वर्ग का दिया गया आपके सुमन मीणा को, ठीक है। और जो आपके जूनियर वर्ग है तो जूनियर वर्ग का दिया गया है सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग का दिया गया है पहल बाणावत को, ठीक है। सीनियर जूनियर सब जूनियर, सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा, और आपके सब जूनियर में पहल बाणावत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपके जो आपके राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 का किसे प्रदान किया गया है। अगर हम राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो यह है आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है, ये आपके उदयपुर के अंदर है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा दिया गया राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 का ये दिया गया आपके रति सक्सेना को, जो इनकी कविता है, कवि इनकी ये कविता है हंसी एक प्रार्थना, तो इनकी कविता के लिए रति सक्सेना को राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 का दिया गया है, ठीक है। जो आपके जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसकी तरफ से मासिका पत्रिका का एक विमोचन किया जाता है, मतलब मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, उसका नाम है मधुमति, मधुमति, ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसके द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी जो हमने अभी देखी थी ये उदयपुर वाली, ठीक है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई है, ठीक है। और जो इसके द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 का किसे प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर आपके डॉक्टर चंद्र प्रकाश। अगर हम डॉक्टर चंद्र प्रकाश की बात करें तो इनका संबंध है अजमेर ज़िले से, ठीक है, इनका संबंध है अजमेर ज़िले से, ठीक है। और नेक्स्ट अपने जो आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी है, जो आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी ये है आपके जयपुर के अंदर, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय महा पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है, ये हुई है आपके प्रमोद कुमार शर्मा को, प्रमोद कुमार शर्मा को। अगर जो आपके कवि माग है इस इनको जो कहा जाता है, इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार शर्मा को। इनको अखिल भारतीय माग पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो ये है ये आपके कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, के द्वारा, इसके द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो आपके जो मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है, ठीक है, यहाँ पे आपके सिलिकोसिस विंग, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और अजमेर, जोधपुर अजमेर में सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है।
जोधपुर और अजमेर के अंदर, ठीक है। जो आपके जो बीकानेर और अजमेर है, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो आपके नवीनतम बायोलॉजिकल पार्क है इनकी घोषणा हुई है, तो आपके जो बीकानेर और अजमेर है यहाँ पे आपके नवीनतम बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे, ठीक है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर और अजमेर, ठीक है। बस आज का करंट इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल राइट एंगल क्लासेस पे, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।